हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग हेमंत सोरेन जी का बयान सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा जेएसएससी या जेपीएससी का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और यदि आप जेएसएससी जेई का स्टूडेंट है या फिर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही में ही आपका भलाई होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सिलेबस के साथ यहाँ पे कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे हेमंत सोरेन जी का ताज़ा बयान है। हालांकि जैसे ये बात तो पहले से चलता आ रहा है कि अब जितने भी नियुक्ति भी आने वाला था आया है, सबका एग्ज़ाम बहुत तेजी से तरीके से लिया जा रहा है। आप लोग उसका भाषण सुने होंगे, 38,000 नियुक्ति का बात बोला, जो कि बोला कि 36,000 आ चुका है उसका विज्ञापन। ठीक है, और बहुत ही शीघ्र इसका पूरा ज्वाइनिंग प्रक्रिया करवाया जाएगा। बहुत ही शीघ्र का मतलब समझ रहे हैं, शीघ्र मतलब बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल जो नाम सुनेंगे ना, वो वर्ड वो कोशिश किया जा रही थी। अब देखते हैं कितना जल्दी काम कर पाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है, देखिए अभी चुनाव रहता 2025 में ना, ये बात हम मानते हैं कि फेक रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, चुनाव 2024 में ऐसा पता है, और आज के दिन में झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, आज आज़ादी का दिन था और उतना बड़ा स्टेज पर चढ़ के ये सब बात नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर है दोस्तों, नियुक्ति देने का मूड में पूरा है। और जो 36,000 नियुक्ति निकला, 38,000 का बोला है, 36,000 बोल निकल चुका है वो आप लोग में। हालांकि 36,000 को तो छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल वाले खास करके, जेई वाले खास करके, और जितने भी अभी उत्पाद सिपाही जो अभी आने वाला। ठीक है, तो सीजीएल वाले छात्र पूरा जम के लगाइए दोस्तों, बार बार यही बात एक ही बात बोलना पड़ता है, ताकि अगले साल आप ऐसा हो ना, ऐसा तैयारी कीजिए अभी कि अगले साल जब मनाइएगा 15 अगस्त, अपना ऑफिस में मनाइएगा। ठीक है, ऑफिस में विधानसभा का फोटो आएगा आपके, आपके जय हिंद के नारे के साथ आपका डीपी लगना चाहिए स्टेटस में। अगले साल की बात कर रहे हैं, वैसे तैयार रखें, एएसओ का सपना साकार करें अपना। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे जेएसएससी सीजीएल में जितना भी डिपार्टमेंट आया, सारा शानदार पोस्ट है दोस्तों। मानते हैं एएसओ का थोड़ा सा ऊपर लेवल है, लेकिन सारा बढ़िया है, ऐसा बात है, कोई खराब पोस्ट नहीं है। ठीक है, और जेएसएससी जेई वाला भी छात्र बहुत अच्छे पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एएसओ को सबसे खासियत यही है कि आपको विधानसभा में जॉब मिलेगा और रांची में ही रह के आपको ड्यूटी करना है, ऐसा नहीं कहीं जाना पड़ेगा, भटकने नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, यही उसमें खासियत है, इसे लोग सब जी एसओ के लिए मरे पड़े हैं कि एसओ लेना है। तैयारी बहुत जोरों से कर रहे हैं, जिसको लेना है दोस्तों बस चैनल को फॉलो किया और अपना तैयारी कर रहा है। ठीक है, चैनल को फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, 1-1.5 साल से करवा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, और उम्मीद कोशिश करते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन देने का जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट हिट कर जाए। ठीक है, फालतू का देने का मतलब नहीं बनता है, फालतू देने से मतलब नहीं, ना आपके पास समय ना मेरे पास समय है, इसलिए जो भी चीज़ देंगे आपको अच्छा चीज़ देंगे। ठीक है, इतना भरोसा रखना पड़ेगा, इसलिए ये बयान आपको खुश कर देगा अंदर से। यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो आप लोग उसी समय खुश, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो सही बात नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरह का बयान हालांकि मुख्यमंत्री जी से देखने को मिले, मान लीजिए आप सेंट्रल का तैयारी कर रहे हैं और ये बयान मतलब प्रधानमंत्री से मुँह से सुनिएगा तो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, अच्छा मतलब ये नहीं कि ये मत समझ लीजिए, इसका बयान तो हर साल हर दिन आता है, लेकिन ये अभी का जो बयान है कुछ अलग ही है। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और तैयारी कीजिए। यदि मन भी नहीं लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर हेमंत सोरेन का जो बयान खुद से अपने मुँह से बोले उसको देख लीजिएगा, शायद आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते पढ़ते हो जाता है, डिमोटिवेशन का काम हो जाता है, कभी कभार हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो कोई बात नहीं दोस्तों, उस समय कुछ म्यूजिक का सुन लिया कीजिए या फिर जो आपको अच्छा लगता है वो काम कर लिया कीजिए, लेकिन डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि सारा तैयारी बर्बाद हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहता है, थोड़ा बहुत कभी पढ़ने मन करेगा कभी नहीं मन करेगा, तो उसे घबराना नहीं है। बहुत सारे छात्र देखते हैं कमेंट करता है टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, अभी टेस्ट देने कौन बोल रहा है आपको, हमने तो बोला नहीं टेस्ट देने अभी के, आप दिए जा रहे हैं, अभी हम बोले कि आप तैयारी पहले कर लीजिए, पूरा टॉपिक कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोग को क्या चूल मचाओ पता नहीं चल रहा है, आप टेस्ट अभी से देना शुरू कर दे रहे हैं तो नंबर कहाँ से आएगा बताइए। और टेस्ट में उससे भी उठ पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम हो रही मतलब 20-30% क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया होता है दोस्तों टेस्ट में, बाकी सब बकवास क्वेश्चन होता है टेस्ट में, किसी की वो टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, वो सब वैसे ही होता है, तो उसको टेस्ट दीजिएगा तो फिर नंबर तो कम आएगा, और नंबर कम आएगा तो डिमोटिवेट हो जाइएगा, फिर पढ़ाई तैयारी छोड़ दीजिएगा, फिर वही कीजिएगा तो अभी सारा 2 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा फिर। इसलिए अभी बोल रहे हैं अभी समय है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी टॉपिक वाइज कंप्लीट तो करिए पहले सिलेबस को, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। अभी तो जुलाई अगस्त चल रहा है, 15 सितंबर तक टारगेट रखें आप लोग कि पूरा अच्छा से कंप्लीट कर दीजिए सिलेबस, उसके बाद टेस्ट मारिए, रोजाना मारिए, सैटरडे संडे मारिए, रोजाना जैसे मारना मारिए। ठीक है, जिस जहाँ से मारना क्वेश्चन मारते रहिए, वो फायदा करेगा, अभी टेस्ट देने के बाद कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कमेंट मेरे पास करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप लोग बोलते रिप्लाई नहीं कर रहे आजकल, तो क्या बताइए इसमें क्या रिप्लाई करें, आपका नंबर नहीं आता हम इसमें क्या करें बताइए, भाई नंबर नहीं आ रहा, नेगेटिव हो जा रहा है, तो अभी टेस्ट देने हम तो बोल ही नहीं रहे आपको, पहले तो सिलेबस तैयारी कीजिए, और सिलेबस एक बार पढ़ने से नहीं हो जाता, एक बार दोबारा उसको पढ़िए। ठीक है,
दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा तिबारा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता चुके कल परसों से बताएं उस टॉपिक बढ़िया से देखिए। पंचवर्षीय योजना हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, नेबरिंग कंट्री हो गया, ये सब चीज़ आपको देखना है दोस्तों। साइंस में एवरीडे लाइफ जो साइंस रिलेटेड वो सब चीज़ देखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत देखना है बढ़िया से, 1857 रिपोर्ट बढ़िया से देखना है, ये सब चीज़ देखिए बार बार, कोई क्वेश्चन ही में से आना है, ठीक है। IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनता है वहाँ से, करंट अफेयर देखते रहिए डेली। आप तो आपको ऐसे करना, ये करना पड़ेगा, करंट अफेयर डेली देखना पड़ेगा आप, ठीक है। सेंट्रल करंट अफेयर, हालांकि झारखंड करंट अफेयर जो हम दे रहे हैं उस सफिशियंट है दोस्तों, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि छाट छाट के लिख रहे हैं और ज़्यादा नहीं 4 से 5 साल आपको आएगा, ठीक है। करंट अफेयर से काफ़ी जो दे रहे उसको लीजिए बढ़िया से, उसको लिखते जाइए कहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। उसको 21, 22, 23 तीनों कवर कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन 23 का रहेगा, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बाकी 22 और 23 हल्का हल्का करके टच करा के आपको देंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो या हेमंत सोरेन का बयान आप सुन के बहुत अच्छा एनर्जी मिला होगा आप लोग, और अच्छा भी लगेगा क्योंकि आज़ादी का दिन भी था और आज का दिन खुश भी होना था, जो कि आज ये बात सुन के जितने भी छात्र तैयारी करें झारखंड में रह के वो खुश हो गए, वाकई में खुश होगा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि एग्ज़ाम तो होना है, लेकिन ये बात मुखिया से, मुखिया के द्वारा सुना जाता है ना, जैसे हमारे मुखिया तो भी हेमंत सोरेन जी है झारखंड का, तो इसके मुँह से सुनने के बाद ऐसा लगता है नहीं भाई बात तो सही है, अर्जेंट मिली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट दोबारा दिया गया, वही डेट को रखा गया, बढ़ाया नहीं गया, ठीक है। किसी एनी हाउ करके एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा 14-15 अक्टूबर को, और बाकी बहुत ही फास्ट अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर में उसका रिजल्ट दे रहा है, मतलब पूरा पूरा देखा जाए तो नया साल में आपको खुशखबरी मिले, एक बार रिजल्ट हो जाए, देखिए एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो आपको पता चल गया एग्ज़ाम बढ़िया चला गया, तो फिर तो टेंशन ही नहीं लगा, एग्ज़ाम जब भी आए रिजल्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा कीजिए कि आपका ऐसा तैयारी कीजिए जो आपको 14-15 अक्टूबर को ही पता चल जाए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट की इंतजारी नहीं करना है, समझ रहे हैं क्या मतलब। तो उम्मीद करते दोस्तों इस बात मेरे समझ में आ गया होगा, तो तैयारी कीजिए, जम के कीजिए एकदम, किसी तरह के एकदम मोबाइल स्विच ऑफ रखिए या फिर लोगों से भी त्यागिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा फ़ोन मत किया कीजिए, ठीक है। और रही बात कि JEE वाला खास करके जो आज के लिए ऑफर था, ये आज के लिए जो ऑफर था ये 200 रुपये में दे रहे दोनों PDF, ठीक है। पेपर वन का जो टेक्निकल नॉन टेक है ना, जो 349 का दोनों मिला था, 200 रुपये दे रहे आज के लिए सिर्फ, ठीक है। जिसको लेना है ले लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 15 तारीख ऑफर है, आज़ादी के दिन के नाम के ऑफर दिया गया, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो ले लीजिए जो नहीं लिए होंगे सो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों, और जम के पढ़िए, जितने भी छात्र हैं, जितने भी JEE वाले छात्र, JEE वाले CGL वाले छात्र हैं, तैयारी जारी रखें। और दोस्तों आज सुबह एक वीडियो डाले थे, उसमें एक मेरा थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, कि क्या बोलते जो दो बार जो फॉर्म डाल दिया, रजिस्टर किया था CGL वाले में, इसमें देखिए JEE वाले में तो हम बोले थे कि दोनों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों JSSC का पहले का नियम था ये कि 2-3 बार अप्लाई कीजिएगा तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, लेकिन इस बार मौका दिया है, इस बार रिजेक्ट नहीं किया, हालांकि हम पूरा अच्छा पढ़ नहीं पाए थे, पिछले वाला फॉलो करते हुए बता दिए थे, तो लड़का लोग का फोन आया तो फिर बोला ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 3 बार अप्लाई किए रजिस्टर, ठीक है, जो लास्ट में जो अप्लाई किए ना उसको फॉलो किया, बाकी 2 लोग रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चिंता नहीं करना CGL वाले छात्र को कि पता नहीं 2 बार अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट होगा, नहीं रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, आपको जो लास्ट लास्ट में जो अप्लाई किए रजिस्टर किए उसको रखते हुए पहले वाला रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना आपको, रिजेक्ट हालांकि JSSC का पहले ऐसे नियम था, रिजेक्ट कर देता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा JSSC का पता नहीं माइंड क्या हो गया, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब काइंड सॉफ्ट हार्ट, मतलब दिल से बहुत ही मतलब सॉफ्ट हो गया है, मतलब उन्हें चाहता है किसी को बाहर किया जाए जेन्युइनली, मतलब सही बात है, जेन्युइनली है, एक तरह से किस तरह को गलती हो गया, 2 बार रजिस्टर कर दिया गलती से, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है कि लास्ट लगो करते हुए आपको सिलेक्शन किया जाए, मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा, वो मेरे से गलती हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हालांकि बड़ी बात तब रहता है जब ये वीडियो फिर से नहीं बनाते हैं, बना के इसलिए बोल दे ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, हालांकि एक दो लड़का लोग फ़ोन किया, ठीक है, तो हमको फिर से देखे उसको अच्छा से हम, तो फिर बोले कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।